नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है जलियांवाले बाग में सभा क्यों बुलाई गई थी? आपने ये सुना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत से अंग्रेज सिपाहियों ने भारतीय क्रांतिकारियों को, भारत के लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, यानी उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को मौत की गार्ड सुला दिया था। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया कि ये सभा बुलाई क्यों गई थी? यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है, इस घटना स्थल पर बहुत से क्रांतिकारी लोग इकट्ठा हुए थे। उस समय वैशाखी का दिन था, और आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो सभा जो थी, जो बुलाई गई थी, वो काले कानून के विरोध में बुलाई गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काला कानून क्या है, तो मैं आपको बता दूं, 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसे नाम दिया गया था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट में अब ऐसा क्या था कि लोगों ने इसको काला कानून कहना शुरू कर दिया था? तो अंग्रेजों ने भारत के जो क्रांतिकारी थे उनकी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसे कानून को बनाया था जिसका उद्देश्य यह था कि किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी क्रांतिकारी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसे अपनी बात कहने के लिए कोई भी जो वक्त है या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो नहीं दिया जाएगा। यानी कि वो अपनी बात ना तो कह सकता है, ना तो कोई अपील कर सकता है, ना ही कोई दलील कर सकता है, और ना ही वो अपने केस के लिए कोई वकील कर सकता है। इसी कानून को बोला गया था बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून। इसी कानून के विरोध में पंजाब के दो बड़े नेता, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों ही लोगों को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये इस काले कानून का विरोध कर रहे थे। पंजाब में उन दिनों इन दोनों ही लोगों का बहुत ही बड़ा नाम था। ये बहुत बड़े नेता के रूप में एक क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दे रहे थे, जो कि इस रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करने वाले बहुत ही बड़े समूह को लीड कर रहे थे। और इसी वजह से अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अगर इन दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो शायद ये जो क्रांति है ये रुक जाएगी। लोगों के मन में एक डर का जो माहौल है वो बन जाएगा, और लोग इस कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। जब इन दोनों ही लोगों को अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, तब वैशाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1919 का जो वक्त था, उस दिन जो सभा बुलाई गई थी कि किस तरीके से इस रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करना है, वो कौन सी योजना होगी जिसके तहत इन दोनों ही बड़े नेताओं को, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को आजाद यानी कि रिहा कराया जाएगा। यदि आपको वीडियो आज पसंद तो वीडियो कीजिए शेयर और चैनल की सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।